नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। कहते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में योजनाओं का जिक्र करते हुए मांगा है समर्थन भी। तो एमपी में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बीमारू राज्य से निकलकर सशक्त एमपी बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश जनता के नाम पर यह पाती लिखी। इस पत्र में उन्होंने बीजेपी शासन काल में हुए विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएंगे और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ये पत्र बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने कई नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जारी किया। देखिए, वो पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। उस पत्र की कॉपी जरा आप देखिए, किस तरीके से एक बड़ा मैसेज यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य है वो बीमारू राज्य था, लेकिन इसे उबारा है कहीं ना कहीं बीजेपी ने। तो मध्य प्रदेश की जनता के नाम पर ये प्रधानमंत्री का पत्र, डबल इंजन सरकार के लिए समर्थन की मांग की है। तो विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा। पत्र में बीजेपी शासनकाल की तारीफ की है, कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से काम हुआ है, और ना सिर्फ तब भी जब डबल इंजन की सरकार थी और जब नहीं भी थी तब भी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में किया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएंगे, इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। इस पत्र में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस पत्र को जारी किया है। चलिए आपको बताते हैं जो पत्र आप देख पा रहे हैं, इस पत्र में क्या कुछ लिखा है। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूँ मेरे प्रति इतना प्रेम और मुझ पर अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश वीरगति से आगे बढ़ रहा है। हम अपने लिए अत्यंत हर्ष की बात है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकल सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना। कौन भूल सकता है 2023 के पहले मध्य प्रदेश को, जहां सुविधाओं का अभाव था। पिछले 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया उसे मध्य प्रदेश को टॉप राज्यों की श्रेणी में शुमार किया। विनीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। विनीत, इसे क्या हम मास्टर स्ट्रोक कह दें बीजेपी का तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत भावपूर्ण पत्र है जो मध्य प्रदेश की जनता को इस वक्त समर्पित किया गया पीएम की ओर से। विनीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है, सबसे पहले ये बताइए क्या मुझे एक बार और आप सवाल। जी जी जी, आपको जी आवाज पहुंच पा रही है विनीत? आप सुन पा रहे हैं मुझे? पहले ये बताइए। जी, आवाज आ रही है। देखिए, चुनाव नजदीक है, हम लगातार चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री का ये जो भावपूर्ण पत्र है मध्य प्रदेश जनता के लिए, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या माने से? जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव भी जो हुआ था, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ, फिर उप विधानसभा चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो नाम का सिक्का है वो मध्य प्रदेश में बहुत चला। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो मोदी के नाम पर वोट डालने से हिचकिचाती नहीं। वहीं बीजेपी भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो मध्य प्रदेश की जनता को अपनी ओर खींच सकती है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये जो लेटर है, डबल इंजन सरकार के नाम पर जो विकास की बात नरेंद्र मोदी ने इसे भावपूर्ण तरीके से कही है, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी की तरफ मोड़ने में जरूर कामयाब होती दिखती है। देखिए, 20 सालों का जिक्र किया है विनीत इसमें कि 20 साल में 2023 के पहले हम बात करें जहां सुविधाओं का अभाव था, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप 10 अर्थव्यवस्था में शामिल कर दिया, यानी कि मौजूदा स्थिति से तो अवगत कराया ही प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें बीमारू राज्य जब हुआ करता था वहां से उबार कर हम इसको 10 बड़ी अर्थव्यवस्था में लेके आए राज्यों में। जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब पिछले विधानसभा चुनाव होते थे तो प्रमुख मुद्दा होता था बिजली, सड़क और पानी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर बिजली, पानी और सड़क की जो व्यवस्थाएं वो पूर्ण रूप से
सुधर चुकी है, इक्का दुक्का प्रॉब्लम से कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा में ये तीन मुद्दे नहीं रहे। वहीं कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो हम लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हुए आ रहे हैं, नए नए उद्योग मध्य प्रदेश में लाए जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी रोजगार के लिए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। ये सही बात है कि मध्य प्रदेश की जो हालत आते 15 साल पहले थी वो बहुत कुछ बदल चुकी है और मध्य प्रदेश जो है वो एक नई राह की ओर चल चुका है। और अब इस बार विधानसभा में कहीं ना कहीं ये पुराने मुद्दे छोड़कर नए मुद्दे की ओर देखिए। विनीत बहुत संक्षेप में बताइएगा, सांसदों को टिकट दिया गया, प्रत्याशी उतारा गया, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए हमेशा से ही शिवराज सिंह चौहान ने काम हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो या इसके अलावा तमाम योजनाएं हो, इन पर काम किया गया, क्या इनका असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में? देखिए मैं बता दूं, असर तो पड़ना है। मध्य प्रदेश की महिलाओं को के लिए अगर 1500 रुपए जारी किए गए, साथ ही सांसद को जो टिकट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपने जिले में और अपने संसदीय क्षेत्र में असर तो रखते हैं, क्योंकि उनका नाम नया नहीं पुराना है और उनके साथ के जो समर्थक है उन्हें जीत में असर तो पड़ेगा। और कन्फर्म बीजेपी का ये जो स्ट्रोक है महिलाओं को लेकर हो या सांसद को लेकर हो या गैस सिलेंडर में पैसा कम करने को लेकर है, इसमें इस बार विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वचन पत्र कांग्रेस का आया तो उसमें हमने देखा ये कि ऐसा क्या नए बिंदु थे जो बीजेपी के किए हुए कामों से अलग था, बहुत कम। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने काम किए उसका असर इस बार चुनाव में तो पड़ना है। चलिए बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर मिशन छत्तीसगढ़ पर गृहमंत्री अमित शाह है। जगदलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने रैली की, बीजेपी की सरकार बनने पर दिवाली मनेगी ये बात कही है। जल जंगल जमीन की रक्षा मोदी ने की है, मोदी सरकार ने आदिवासियों की सुरक्षा की है, बीजेपी की सरकार लाओ नक्सलियों से छुटकारा पाओ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है और इसी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। देखिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर और नामांकन रैली को संबोधित किया है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद ये दूसरी बार है जब शाह राज्य के दौरे पर हैं। तो फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जगदलपुर और कोंडा गांव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन रैली में वे शामिल हुए, जनसभा को भी संबोधित किया। और बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था, आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है, उनको बचाना चाहिए। और हमारे साथ अनिल पुसुदकर जी जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड हैं एमपीसीजी के। अनिल जी देखिए हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बार यानी कि तारीखों की जब से घोषणा हुई है चुनाव की उसके बाद ये दूसरा दौरा है और 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में ही जिन जिलों में आज उन्होंने नामांकन रैली में शामिल हुए जिसमें जगदलपुर आता है, कोंडा गाँव आता है, स्थिति पहले कैसी थी, अब आगे कितने चांसेस नजर आते हैं? अनिल जी देखिए अमित शाह जी का ये दूसरा दौरा है चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद जी। और बस्तर में उन्होंने आज जो एक बड़ी बात कही है वो कहा है कि आप अमल खिलाइए और हम आपको नक्सल मुक्त राज देंगे। 3 तारीख को दिवाली मनाइए, फिर उन्होंने कहा 3 दिवाली होगी छत्तीसगढ़ में, पहली ये
कमल का खिलाएंगे जब उन, उसके बाद जो 3 दिसंबर को चुनाव आएगा उसके बाद जो है रामलला के जो मंदिर का मामला उन्होंने उठाया। यहाँ छत्तीसगढ़ में इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सल वारदात पे कमी आई है और नक्सलियों को कॉर्नर कर दिया गया है, लेकिन नक्सली समस्या पूर्ण रूप से समूल जो है नष्ट नहीं हुई है, अभी भी वो कायम है और सुदूर क्षेत्रों में सुदूर वंचनालों में नक्सलियों का राज कायम है। आज भी जो है जो कोटा और जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं से लगे क्षेत्र है वहां पर जाना बहुत दूर है, वहां पे नक्सलियों का राज स्थापित है। अमित शाह ने जो दोनों जो आम सभा को संबोधित कर जो देश बघेल सरकार पर हमला किया है, कहा है कि हमको हमारी सरकार फिर से आप लाइए यहाँ और फिर देखिए हम विकास करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीजेपी है उसमें प्राण फूकने का काम अमित शाह कर रहे हैं। बीजेपी आज से एक साल पहले एकदम ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को वॉकओवर दे देगी, लेकिन वो फिर से कमबैक की है और टिकटों के वितरण के बाद जो है बीजेपी की स्थिति सुधरी है और वो दिनों दिन उसकी स्थिति पर सुधार हो रहा है। और अमित शाह जैसे लगातार दौरे कर रहे हैं या केंद्र के नेता दौरे कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो टक्कर दे रही है कांग्रेस को फिर से दोबारा। और बस्तर, खासकर बस्तर जो है उस पर जो भाजपा की निगाह है उसका कारण यही है कि बस्तर जिसके साथ गया छत्तीसगढ़ समझो सरकार उसके साथ गई, तो वो पहले 2 चुनाव जो हुए थे उसमें दोनों में 11-12 में से 11 सीट बीजेपी को मिली थी, दूसरे चुनाव में 12 में से 10 सीट मिली थी, बाद में जो है तीसरे चुनाव में कम हो गई सीटें और पिछले चुनाव में तो भाजपा का वहां से टुकड़ा साफ हो गया। 3 उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव में 3 सीट हारी, उसके पहले जो चुनाव है आम चुनाव उसमें 12 में से 9 सीट हारी थी, यानी 12 की 12 सीटें आज कांग्रेस के पास है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो ये गढ़ जो पहले कभी कांग्रेस का ही गढ़ था बाद में भाजपा का गढ़ हुआ, अब बस्तर को फिर से उस गढ़ को छीनने के लिए अमित शाह या फिर भाजपा कह लीजिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए अनिल जी, 2 बातों को मैं यहाँ समझना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि आज मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री ने एक लेटर भी लिखा है, बहुत भावपूर्ण वो खत लिखा गया, यानी कि एक भावना को प्रेषित किया गया, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की और जनता से वोट की अपील की। दूसरी ओर यदि हम छत्तीसगढ़ का ये दौरा देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, तब बहुत पूरी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी हारी थी, ये आपको भी पता है हमें पता है, अब आगे स्थितियाँ क्या निर्मित होती हैं। और जिस तरीके से आज बहुत बड़ी बात यहाँ पर अमित शाह ने कही है कि नक्सल बात को हम खत्म कर देंगे, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो गया। पीएम मोदी ने जो आज खत लिखा ये भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब कैसे पार पाएगी कांग्रेस और इसका आगे आप दूर गए परिणाम क्या देखते हैं? इधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है, सीएम पद छोड़ना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने ये बड़ी बात की, पद मुझे नहीं छोड़ रहा ना छोड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले सीएम गहलोत ने कहा है, मैं कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। तो सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, बड़ा आरोप है ये, या केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी आप जो है आप बधाई आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा, बता दीजिए। छवि भाई संवाददाता इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुई हैं। छवि देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब अशोक गहलोत ने बात कही हो कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी ही है जो मुझे छोड़ती नहीं, ये क्या संकेत एक बार फिर से दिया नजर आता है छवि?
देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि पहले भी इस तरह का बयान मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से आ चुका है कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन वही है जो मुझे नहीं छोड़ती है। लेकिन इसी लाइन के आगे उन्होंने एक लाइन और कही, जब अपनी इसी जब ये बयान दिया गया मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से, तो उन्होंने सफाई भी देते हुए कहा कि देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनका विश्वास मुझ पर इतना है कि हर बार मुख्यमंत्री के रूप में मुझे ही चुनते हैं। वही राजस्थान की जनता का भी जिक्र किया कि राजस्थान की जनता का जो विश्वास है वो इतना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बार बार में बनाया जाता है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा बयान दिया मुख्यमंत्री गहलोत ने, वो ये कहा कि कांग्रेस की एक रीति नीति रही है कि जो उम्मीदवार होता है मुख्यमंत्री का वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये जो बयान है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और मुख्यमंत्री का ये जो बयान है अपने आप में कई सियासी मायने रखता है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि जो अभी एक कहते हैं राजनीति में टाइमिंग का खेल होता है, और वही कुछ यहाँ भी नजर आया है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो ऐसी है जहाँ लिस्ट के लिए कश्मकश चल रही है। भाजपा अपनी एक लिस्ट निकाल चुकी है, वही कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सब सॉर्ट आउट हो चुका, जो गुटबाजी थी वो लड़ाई वही, जो थी, आपने वो वही सवाल देखिए, वही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये बयान भी उस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस ने कल अपनी लिस्ट जारी की थी, तब देखा था कई बड़े ऐसे चेहरे थे जिनको प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, और एक वक्त ये कहा जाता था अशोक गहलोत के लिए कि दिल्ली तो दूर है, यहाँ पे ही तमाम चीजों का सॉर्ट आउट हो जाता है। तो क्या उन तमाम चीजों को, यानी कि तमाम चीजों पर सॉर्ट आउट नहीं कर पाए थे अशोक गहलोत भी, अपने तमाम प्रत्याशियों को नहीं ला पाए उस वक्त, इस बयान के मायने कैसे निकाले हम, क्या लगता है जमीन खिसकती नजर आती, क्या माने हम इसे? छवि चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इज़राइल हमास युद्ध का 13वां दिन है। गाजा में अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गाजा में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इज़राइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोग की मौत हुई है। इज़राइल में 199 बच्चों समेत 1400 से ज्यादा मौतें। इज़राइल में अब तक 4,475 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 200 इसराइलियों को हमास ने बंदी बनाया हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, और खूनी जंग का 13वां दिन हो गया है। तो इज़राइल फिलिस्तीन में युद्ध जारी है, और देखिए इसके दूरगामी परिणाम भी अब धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। तो इज़राइल झुकेगा नहीं, युद्ध रुकेगा नहीं, ऐसा ही नजारा अब सामने आ रहा है। देखिए गाजा में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की घायल हो चुके हैं लोग। इसके अलावा आपको बता रहे हैं इज़राइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि युद्ध का 13वां दिन, और गाजा पर हवाई हमलों के बीच तेल अवीव में पीएम ऋषि सुनक जुड़े हुए हैं। ऋषि सुनक ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। तो गाजा बॉर्डर के पास इजरायली सेना को तैनात किया गया है। अली हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अली देखिए, 13वां दिन हो गया है युद्ध का, और इसी के साथ साथ रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो बाइडेन पहुंचे, अब यूं कहें कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के पीएम चलिए अली, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। नेतन्याहू क्या कुछ कहने, जरा सुन लेते हैं। One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. We are on the cusp of expanding that peace and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. We have to resist it and we have to win. Above all, we have to... चलिए लगातार अली भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अली देखिए, यहाँ पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, नेतन्याहू भी हैं और ऋषि सुनक भी हैं। ठीक है, अब समस्या ये है कि आखिर का 13वां दिन हो गया है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, आगे क्या कुछ नजर आ पाता है अली?
देखिए दीपिका, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला लगातार उलझता जा रहा है बजाय सुलझने के, क्योंकि जब से अस्पताल पर हमला हुआ है, अस्पताल से रॉकेट से हमला होने के बाद वहाँ पर जो घायल जिनका उपचार चल रहा था अस्पताल में, वो हज़ारों लोग घायल जो थे वो उसी में दब गए बिल्डिंग में, जिनमें से लगभग हज़ार लोगों की बॉडियाँ भी बाहर निकाली गई। मरने वालों में सबसे ज़्यादा बच्चे शामिल थे। उसके बाद अरब देशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल वॉर का जो गाइडलाइन होती है उसका उल्लंघन किया गया है इसराइल की तरफ से, क्योंकि इसराइल ने अस्पताल पर हमला किया है। जब भी किसी देश में जंग होती है तो महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग साथ के साथ अस्पताल वाला जो एरिया होता है उससे सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आम नागरिक रहते हैं। लेकिन इस तरह का वहाँ कुछ नहीं देखने को मिला। जिस वक्त अस्पताल पर हमला हुआ है वो रात में हमला हुआ, जो वहाँ उपचार के लिए हज़ारों लोग एडमिट थे उनमें से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब तक लगातार वहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज इसराइल के अंदर जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, उससे पहले अमेरिका के वहां पर राष्ट्रपति पहुंचे थे, सबका यही कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। और जब यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस समय भी यही कहा गया कि इसराइल की तरफ से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा था कि ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों का लगातार यही कहना है कि आतंकवाद की कोई लड़ाई नहीं है, आम लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। तो ये स्थिति लग रहा है, जो स्थिति अब बनी हुई है दीपिका, अगर यही स्थिति रही तो और गंभीर हालात हो सकते हैं गाजा पट्टी के। देखिए, अब इसराइल की हर जगह यूं कहें कि मुखालफत हो रही है। जब से अस्पताल पर हमला किया गया है तमाम मुस्लिम देश भी अब एक पहले से ही थे, अब और बार एक हो गए हैं। तो अब आगे की क्या रणनीति बदलती हुई दिखाई पड़ पा रही है आपको अली, क्या इसराइल दबाव में भी आ सकता है? अब तो साफ हो चुका है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और अब लंदन यानी कि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं वहां पर ये स्थिति साफ हो चुकी है कि दोनों देशों का ये कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जारी ये आंदोलन रहेगा। उधर से जो मुस्लिम देश एक हुए हैं उनका ये कहना है कि वहां बेगुनाह बच्चों को, बुज़ुर्गों को क्यों मारा जा रहा है, लड़ाई बॉर्डर पर होती है, बॉर्डर से की जाए। और अब इसराइली फौज पूरी गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर रखा है, वहाँ की स्थिति बेहद भयंकर होती जा रही है क्योंकि वहाँ लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, इंटरनेट बंद किया गया। लेकिन आज सुबह की ये सबसे बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें कि अरब देशों ने जब अमेरिका से बात करनी चाहिए तो वहाँ जो सबसे नज़दीक देश है इस पूरे फिलिस्तीन के वो है मिस्र। मिस्र के जो बॉर्डर है वो खोल दिया गया है इसलिए क्योंकि जो आम ज़रूरत के सामान है, खाने पीने की सामग्री है, वो उन बेगुनाह लोगों तक पहुंचाई जाए जो उस देश में पिस रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये रूप विकराल लेता जा रहा है, अब ईरान ने भी कहा था कि ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जो उस पूरे मतलब इसराइल के आधे इलाके को उड़ा देगी। हालांकि इसका विरोध किया गया, अमेरिका ने भी कहा कि इस तरह की कोई भी लगातार ईरान ये कह रहा है कि हम अली देखिए, यही क्या एक वजह आपको नज़र आ पा रही है जो इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यूँ कहें कि निमंत्रण दे रहे हैं, बाइडन को बुलाया, अभी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलकियां भी हम दिखाए थे, सीधी तस्वीर दिखाए थे तमाम दर्शकों को, तो कहीं इसराइल डर गया है, बैक जाना चाहता है? देखिए, आप हमास पे हमला करिए, आतंकवाद को ख़त्म करिए, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उस आतंकवाद के आड़ में यदि बच्चे और महिलाएं उसकी जद में आते हैं तो दूसरी दिक्कत है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि परमाणु हमले का जो खतरा है वो बना हुआ है, इन चीजों को जरा समझते हैं अली। देखिए दीपिका, 13वां दिन आज हो चुका है जंग को शुरू हुए और अब इसराइल को कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि अब जो बामन देश हैं मुस्लिम वो सब एक हो गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि फिलिस्तीन के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है वो आड़ में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि जो हमास जैसा आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है, जिसका हिजबुल्ला भी साथ दे रहा है, हिजबुल्ला भी आतंकी संगठन बताया जा रहा है क्योंकि वो ईरान की तरफ से भी पूरा समर्थन मिला हुआ है हिजबुल्ला को। हिजबुल्ला का साफ तौर पर ये कहना है कि इसराइल अगर फिलिस्तीन के लोगों को मारेगा तो लगातार इसराइली लोग भी मारे जाएंगे। ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस बीच में इसराइल को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि यदि बामन देश एक हो चुके हैं और अगर मिलकर हमला कर दिया तो इसराइल का कहीं ना कहीं नाश हो सकता है। इसी के चलते ये गंभीरता बनी हुई है और आज जो लंदन के कह सकते हैं ब्रिटेन के जो ऋषि पहुंचे हुए हैं इसराइल में, वो भी यही कह रहे हैं कि लगातार हम
इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल के साथ लंदन भी खड़ा हुआ है, अमेरिका भी खड़ा हुआ है, और भी देश खड़े हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ लगातार ये जंग जारी रहेगी। उधर से मुस्लिम देशों का ये कहना है कि हमास जिसे आतंकी संगठन कहा जा रहा है, यदि वहीं तक ये लड़ाई सीमित रहे तो अच्छा है, लेकिन वहाँ के जो बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है वो बेहद गलत मारा जा रहा है, इसीलिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए स्थितियां बद से बदतर होती जा रही, गाजा में पीने का पानी तक खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अली आपने तमाम जानकारी देने के लिए। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।